मेरे आप क्यों माशी के ढलेवी किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। नीम हकीम खतरे जान, किस तरह जाली डॉक्टर्स लोगों की जानो माल से खेल रहे होते हैं, एक ऐसे ही डॉक्टर का अहवाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हकाइक को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। कहते हैं जान है तो जहान है, यही वजह है कि हमेशा से सिखाया जाता है कि इंसानी जान की कदर करनी चाहिए और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से भी फिक्रमंद रहना चाहिए। यही वजह है कि अमीर हो या गरीब अपनी सेहत के बारे में खासा फिक्रमंद रहता है। अमीर लोग बड़े बड़े अस्पतालों का रुख करते हैं और अपने आप को लाहक अमराज से शिफायाब होते हैं, जबकि गरीब लोग सरकारी अस्पतालों की जानिब देखते तो हैं लेकिन उनकी जबू हाली के बायस वहां जाकर मजीद परेशान होते हैं। और यही सोचकर हर पसमानदा इलाके में अताइयों की दुकानें खुलने लगती हैं और सादा लौह आवाम के तावुन की वजह से चलने भी लगती हैं। तावुन इसलिए कि सादा लौह आवाम सरकारी अस्पतालों तक तो जा नहीं सकते, लिहाजा रो धो के इन अताइयों को ही डॉक्टर समझकर इनके पास जाते हैं और अपना वक्त पैसा और बाज़ोकात जिंदगी भी हार जाते हैं। टीम मैं हूं कौन ने अताइयों के सद्देबाब और इनकी सरखूबी के लिए कई प्रोग्राम्स किए हैं। अताई किसी भी किस्म के हों, टीम मैं हूं कौन को जैसे ही उनकी इत्तला मिली, टीम मैं हूं कौन ने फौरन उनके सद्देबाब के लिए कार्रवाई की। हमारे आज के प्रोग्राम में भी हम आपको एक अताई से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी इत्तला आप नाज़रीन में से ही किसी एक पाकिस्तानी ने हमको दी। टीम मैं हूं कौन को इत्तला मिली कि मेहरान टाउन के इलाके में एक शख्स जो अताई है साथ ही साथ मुर्गी की दुकान भी चलाता है। टीम मैं हूं कौन को ये जानकर कोई खास हैरत नहीं हुई क्योंकि अक्सर पसमानदा इलाकों में इसी तरह की कार्रवाइयां देखने में आई हैं और हमने उनका सद्देबाब भी किया है। हमने इस अमर की तस्दीक करने के लिए अपने एक नुमाइंदे को उसकी दुकान पर भेजा और वहां से उसने मुर्गी का गोश्त खरीद लिया। पूरी मुर्गी डोल दो कितनी है? मुर्गी गोश्त चाहिए, राम चाहिए, बाबू चाहिए, क्या चाहिए? पूरी मुर्गी डोल दो। पूरी मुर्गी? हाँ, क्या किलो है? 175। 175 रुपए किलो डोल दो। अबे क्या नया लग रहा है क्या? अबे भाई क्या नया हो क्या? नहीं भाई, ये बहुत 10 साल से काम। अबे क्या गोश्त की रेट लगा रहे हो, ये 10 साल से कहाँ लग रहे हो कारीगर? क्या हुआ गोश्त, क्या हुआ इसको? नए नहीं हो आप जी? गोश्त ऐसे बनता है? हाँ, पहली दफा देखा ऐसे बनता हुआ। तोलो पूरी मुर्गी तोलो। ए, मेरे दोस्त गोश्त के शीशड़े कर दिए। कितनी हो गई? सवा किलो। सवा किलो कहाँ हो गई? अरे 100 ग्राम। 100 हो गई ना? इसमें भी उस्ताद कहाँ है आपके? उस्ताद मैं खुद ही। उस्ताद तो नहीं हो तो क्या? मुझे हेल्पर लग रहे हो। उस्ताद नहीं लग रहा? हेल्पर हो? नहीं उस्ताद हूँ। उस्ताद हूँ मैं। हेल्पर लग रहे हो, छोटी बोटी बना देना। छोटी? हाँ। क्या कीमा पकाओगे? कीमा नहीं बनाना, बोटियाँ बनानी है। सही है ये तो। और छोटी? छोटी करनी है वो, देखो तो सही है। सही है तुम। और छोटी करो। और छोटी? ए, कीमा बना दिया छोटी करने का बोला आप है। तो बोल रहे हो और छोटी करो इसको। हाँ लो। सही है। ए यार चलो बनाओ। अब उस्ताद कहाँ है? उस्ताद नहीं है भाई। मैं कहाँ गए? उस्ताद नहीं, दूसरा है लेकिन अभी काम से गया। वाले को इधर रख दो, इसको इधर रख दो। पहले कभी किसी ने लिया कुछ? हाँ तो अभी आज रात में तो नहीं खोला है। फिर बहुत टाइम हो रहा, मुझे लग रहा है। ये लो। अरे भाई क्या कर रहा है? अभी सही बन ये गोश्त का यार, क्या हाल कर रहा है यार, यार तो क्या बनाऊं? आपने बोला छोटा क्या है ये? एक में नहीं आएगी? नहीं, एक में रंग डालो, एक में। ये उस्ताद। यार उस्ताद आप भी सर खा गए हो मेरा, कभी नहीं लिया क्या मुर्गी आप? ऐसा कारीगर पहली दफा देखा मैंने। हमने भी ऐसा ग्राहक जिंदगी में आज देखा है। ले लो। ये जो है गोश्त आ चुका है और जैसा कि आपने देखा कि ये डॉक्टर साहब जो है ये पार्ट टाइम में या फुल टाइम में डॉक्टर भी हैं और पार्ट टाइम में मुर्गी बेचते हैं, लेकिन जो भी है बेचते गोश्त हैं और
अब ये देखना कि ये डॉक्टर कितने अच्छे हैं, किस तरह इलाज करते हैं। तो साथ रखिए। कितना डॉक्टर? 102। आपकी फीस कितनी है डॉक्टर? हमारी फीस 100 हम इस वक्त मौजूद हैं मेहरान कॉलोनी में, और यहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो मुर्गियाँ बेचते थे और मुर्गी ज़िबा करते थे, और उनकी मुर्गी की शॉप थी। और लोगों का मानना ये है कि वो मुर्गी की शॉप अभी भी चला रहे हैं, उसके बाद जो है वो क्लिनिक भी खोलते हैं। तो वो चेक करना है कि वो डॉक्टर मुर्गी किस तरह ज़िबा करते हैं और लोगों को किस तरह दवाएँ देते हैं। तो अदनान को अभी हम मरीज़ बना के भेजेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि वो इंसानों का इलाज किस तरह करते हैं और मुर्गी किस तरह ज़िबा कर रहे थे। एक बात की तस्दीक हो जाने के बाद अब हमारे दूसरे नुमाइंदों का रुख उस अताई के क्लिनिक की जानिब था। क्या हाल है? खैर है भाई, आप सुनाएं। अल्लाह मोशन कर करके आधी जान हो गई। अच्छा, देखिए कपड़े भी सारे खराब हो रहे हैं। अताई का ये क्लिनिक ज़ाहरी तौर पर किसी बाकायदा डॉक्टर के क्लिनिक का मंजर पेश कर रहा था, और किसी हद तक ये शख्स डॉक्टर होने की कामयाब अदाकारी भी कर रहा था। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि नकल कितनी भी होशियारी से की जाए, रहती नकल ही है। सांस लो। आ ही नहीं रहा डॉक्टर साहब, सांस सही से, गला भी खराब है। कितना डॉक्टर साहब? 102। मोशन भी बहुत लगे मैंने डॉक्टर साहब। अच्छा, मोशन भी पानी गिरा कर रहे, देखे ना कपड़े। अच्छा, मैं कुछ दवाई लिख के दे रहा। इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे का बुखार चेक करने के लिए उससे बमुश्किल 5 सेकंड थर्मामीटर लगाया, और उसके बाद इसने ऐलान कर दिया कि हमारे नुमाइंदे को 102 टेम्परेचर है, जबकि हमारे नुमाइंदे को सिरे से कोई तकलीफ थी ही नहीं। चक्कर भी आ रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे को बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी अपने पास से ही देंगे या मेडिकल की दवाई देंगे? नहीं, उधर से मिलेगी पास। मेडिकल देख ले, कबाड़िया काम करता है, गरीब आदमी है, सस्ती दवाइयां लिखी है। तो सस्ती दवा लिख देना, इतनी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, ये सिरप है। सजा सर तो क्या लिखा? आपकी फीस कितनी है डॉक्टर? हमारी फीस भाई 100 रुपये। 100 रुपये? आपको देनी है वहाँ पे? तो इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगता? इंजेक्शन नहीं, आप फिर सेट हो जाएगा ना? हाँ, सेट हो जाएगा। काम इसका ऐसा चलने मिलेगा ना? नहीं नहीं, सेट हो जाएगा, फिर 2 दिन के बाद ये दवाइयाँ खा ले, 2 दिन के लिख के दे रहा हूँ, फिर चेक कराए, फिर 2 दिन के बाद आएंगे। ठीक है, चलो भाई। इसने हमारे नुमाइंदे को चंद दवाएं लिख कर दी और उसे 2 दिन बाद आने का कहकर रवाना कर दिया। और अदनान जो है दवा लेके आए। अदनान, ये कितना बुखार बोला? मैं आवाज सुन रहा था। 102 बुखार बता रहे हैं भाई। अच्छा, बड़े मजे का इन्होंने ये नुस्खा बनाया है। एक आगे 5, फिर 0, 2, 0। मुझे लग रहा है शक्लें बनाई हैं इन्होंने दवा की, कोई शक्ल में बनाई है। और दवा मैं आपको दिखाऊं, ये नज़ले में नज़ले खांसी की दवा है, जो आम जो है वो क्लिनिकल मेडिकल मेडिसिन गिराती हैं, ये जो डॉक्टर्स वगैरह जो है देते हैं।
ये वो मेडिसिन है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ और है नहीं। डॉक्टर साहब जो है इनका, अच्छा दो दिन के बाद बुलाया मैं था भाई, गोलियाँ और दवाएं बहुत सारी दे दी हैं, तो डॉक्टर साहब से चल के पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो मुर्गी का काम किस तरह करते हैं। और अदनान को, हालांकि कोई इसमें टेम्परेचर नहीं है अदनान को, और 102 बुखार कैसे हो गया, तो चलते हैं अदनान के साथ और वहाँ चल के मजीद जो है उनसे बात करते हैं साथ से। ये कराची यूनिवर्सिटी जो है, कराची यूनिवर्सिटी से? हाँ, कराची यूनिवर्सिटी से MBBS होता है, सीखा है ना कहीं से? भाई आपका मतलब क्या है, हमारे को अपना काम करने दो, आपको क्या मतलब है वो बता। तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कितने अच्छे थे वहाँ पे? इसको साल हो गया, साल भर हो गए, साल साल भर में डॉक्टर ने कभी किसी को मारा? नहीं, मैं अभी तक नहीं मारा, मरने का इंतजार कर रहा हूँ। जब टीम महुकोन इस अताई के पास पहुंची तो ये अपने नाम निहाद क्लिनिक में मरीजों का मुआयना कर रहा था। हमारे इस्तफसार पर कि हमारे नुमाइंदे का बुखार इसने किस तरह चेक किया, तो इसका जवाब था कि इस बंदे को बहुत सारा बुखार था, और जब इससे थर्मामीटर पढ़ने को कहा गया तो इससे थर्मामीटर तक नहीं पढ़ा जा रहा था, यानी कि इससे ये तक नहीं मालूम था कि थर्मामीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है। दोस्तों ये भी आपसे दवा लेके गए, दवा आपने दी है माशाल्लाह इसको बहुत सारी अच्छी, तो ये मुझे थोड़ा सा बताएंगे ये किस चीज़ की दवा है? इसकी तबीयत ख़राब है, इसको बुखार था बहुत बड़ा। क्या बुखार था? बुखार था ना, बुखार था, कितना बुखार था? 102 था। अच्छा, बुखार आपने किस तरह चेक किया था, चेक करके दिखाएंगे, चलो मीटर उठाइए। बुखार से चेक किया था नहीं, पहले एक मिनट निकाल लिया था। नहीं एक मिनट ना, मुझे जरा बताएं तो ये अभी थर्मामीटर कितने पे रहे? अभी जो है मीटर कितने पे? अभी तो डाला ही नहीं है ना। नहीं कितने पे है अभी ये चेक करें ना मुझे? ये 45। 45 पे? नहीं डॉक्टर फिर चेक कर लें, 45 से ऊपर होगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं इतना है डॉक्टर ने। हाँ, थर्मामीटर तक ना पढ़ सकने वाला शख्स धड़ल्ले से क्लिनिक खोलकर लोगों में इलाज के नाम पर मजीद बीमारियां और बसा औकात मौत बांट रहा था। अच्छा, MBBS कहां से किया है? बहुत जगहों से किया है, सिंध से किया है, बहुत सारी जगहों से। कितनी जगहों, कितनी दफा किया है MBBS? बहुत मरतबा किया है, मतलब तीन चार दफा किया। हाँ, मैट्रिक किया था इससे पहले? नहीं मैट्रिक किया था। मैट्रिक किया था, मैट्रिक के बाद किया था MBBS या MBBS? नहीं मैट्रिक के बाद ही होता है ना, मैट्रिक के बाद होता है। हाँ, अच्छा इतना पता है आपको? हाँ, अच्छा ऐसे थोड़ी हो डॉक्टर भाई, ऐसे ही डॉक्टर नहीं है? नहीं, बड़ी जगहों से पढ़ा हूँ यार। बड़ी जगह से पढ़ा? हाँ ना। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा बताएंगे कितनी जगहों से पढ़ा है? मैं कहाँ से? US से पढ़ा हूँ, कनाडा से पढ़ा हूँ, सिंध से पढ़ा हूँ। US से भी पढ़ा है, कनाडा से भी पढ़ा है, और सिंध से भी पढ़ा है? सिंध से। सिंध से कहाँ, कौन सा मेडिकल कॉलेज है? ये कराची यूनिवर्सिटी जो है, कराची यूनिवर्सिटी से? हाँ, कराची यूनिवर्सिटी से MBBS होता है? हाँ उधर से। कराची यूनिवर्सिटी से MBBS होता है, तो बराए मेहरबानी जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं वो कराची यूनिवर्सिटी से ज़रूर रब्ता करें। और डॉक्टर साहब ने वहीं से MBBS किया है? हाँ वहीं से, डॉक्टर साहब ने वहीं से MBBS किया है, तो अच्छा है कि वहाँ पर जो है इस तरह की अगर मेडिकल पढ़ाई जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत पढ़ाई हमने की है, पढ़ाई तब डॉक्टर बने, तब डॉक्टर बने। किसी डिग्री के बारे में इस जालसाज को कोई मालूमात नहीं थी, और बकौल इसके इसने डॉक्टरी UK यानी बर्तानिया से पढ़ी थी, और आधी डॉक्टरी इसने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ रखी थी। हैरत का एक पहाड़ था जो टीम महुकोन पर टूट रहा था कि किस तरह, जी हाँ आखिर किस तरह ये शख्स 5 साल से अपनी दुकान खोले बैठा कानून और महकमे सेहत के जिम्मेदारान को उनकी कारकर्दगी पर मुंह चिढ़ा रहा था। अच्छा मुझे एक चीज़ बताए ना कि इनका बुखार आपने चेक जो किया वो 102 तो नहीं था? 2 था। अभी आप मीटर ही नहीं देख पा रहे, मीटर कितना है इसमें? मीटर तो इसमें 42 है, 108 आ रहा है इसमें। मेरे बात कोई और नहीं, 108 नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, ये 101 के करीब है। अच्छा हाँ, तो वो आप शायद देख नहीं पा रहे सही से, ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही। अच्छा कहाँ, इससे पहले कहाँ आपका क्लिनिक कहाँ था? इससे पहले क्लिनिक नहीं था मेरे पास, क्लिनिक नहीं था? नहीं।
तो किसी डॉक्टर साहब के साथ थे? प्रैक्टिस। अच्छा, वो हाउस जॉब कहाँ किया आपने? हाउस क्या मतलब? हाउस जॉब मतलब MBBS करने के बाद एक प्रैक्टिस होती है ना, वो प्रैक्टिस कहाँ की? वो डॉक्टर के पास था मैं। डॉक्टर के पास? कहाँ? कौन है? कौन था डॉक्टर? वो जन्ना अस्पताल में। जिन्ना अस्पताल में थे? तो वो उनका कोई प्राइवेट क्लिनिक था वहाँ पे थे आप? नहीं, सरकारी था। उधर सरकारी में थे? उधर में था। उधर उसमें थे आप? उसका प्राइवेट भी थी क्लिनिक। तो वो आप कितने अरसे रहे उन डॉक्टर साहब के पास? उसके तकरीबन 5 साल रहा हूँ मैं उसके साथ। पढ़ाई के बाद गए थे या पढ़ाई से पहले? नहीं, पढ़ाई के बाद। पढ़ाई के बाद गए थे? पढ़ाई भी करता था, उधर भी जाता था। हाउस जॉब जो है इन्होंने एक डॉक्टर साहब के पास किए, तो मैं बहुत अच्छी तरह समझा पाऊँगा आपको और आप समझ रहे होंगे कि ये डॉक्टर साहब जो है वो कितने काबिल हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बड़े खुशी हुई आप जैसे काबिल डॉक्टरों से मिलकर। एक मरीज को इस शख्स ने पेट के दर्द की तकलीफ में ड्रिप लगा रखी थी और वो मरीज भी इस अताई की कार्रवाई पर न सिर्फ मुतमईन था बल्कि इसका बाकायदा गाहक भी था। जी हाँ, जब एक अताई लोगों को मुतमईन करके उनका इलाज करता रहेगा तो वो लोग मरीज तो नहीं बल्कि एक गाहक ही कहलाएंगे। वैसे इन मरीज को क्या हुआ हुआ? इनको बहुत तबीयत खराब हुई थी, पेट में दर्द हुआ था, बुखार हुआ था हल्का सा। पेट में दर्द भी, बुखार भी हल्का। बुखार। अच्छा, ये क्लिनिक कितने अरसे से आपका? ये क्लिनिक तकरीबन इसको 4-5 साल हो गए। 4-5 साल? 4 साल 5 साल? 5 साल। 5 साल? 5 साल। 5 साल से आप यहीं पर? हाँ, यहीं पर। तो कोई कंप्लेन, कोई ऐसी शिकायत लोगों को आपसे कि आप इलाज अच्छा नहीं? कुछ भी नहीं आया। कोई मरा हो कभी गलती से? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी? बेहतरीन डॉक्टर, मतलब बेहतरीन इलाज होता है? जब भी आता है ठीक हो जाता है। ठीक हो के जाता है? अच्छा, तो मैट्रिक कहाँ से किया था आपने? मैट्रिक तो हमने उधर से किया था, सक्खर से। सक्खर से? उसके बाद आपने कराची? कराची में आया हम। कराची आए? कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा। कराची, मतलब मैट्रिक के बाद कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा, पढ़ने चले गए जी। तो वहाँ पे MBBS स्टार्ट हुआ। कितने साल का था MBBS? तकरीबन 2 साल हुआ। अच्छा, मुझे मेरे इल्म में नहीं है ना कराची यूनिवर्सिटी से MBBS हो रहा है। अच्छा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी एडमिशन ले लूँ, मुझे भी बहुत हो रहा है ना। हमने तो ये तो बिना वजह माइक पकड़ लिया मैंने, मतलब डॉक्टर बनने का शौक था। अच्छा, वो सही है, आपको अल्लाह डॉक्टर करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इंशाल्लाह। तो वो 4 साल का था, 5 साल का था? 5 साल का। 5 साल का? 5 साल का MBBS हो रहा है कराची यूनिवर्सिटी से। तो तमाम जितने भी मेरे दोस्त हैं वो एडमिशन लें और डॉक्टर बने, कौम की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें, नाम रोशन। सही बात है ये। तो बाहर जब आप गए, यूके गए थे? हाँ, यूके। यूके? यूके कितनी दफ़ा गए आप? हम तकरीबन 4 मरतबा गए। 4 दफ़ा? हाँ। और वहाँ किस लिए, किस सिलसिले में गए थे? उधर डॉक्टर के सिलसिले में पढ़ने गया था। पढ़ने गया था? वहाँ से कौन सी डिग्री ली आपने? हमने MBS की डिग्री ली। MBS जी? ये MBBS के बाद होता है? MBBS के बाद। MBS मैं लिख लूँगा, याद नहीं रहेगा मुझे। MBS ये तीन चीज़ें, ये मतलब क्या होता है MBBS? इसका मतलब ये होता है डॉक्टर होता है। MBS मैं भी सोच रहा हूँ ये MBS का क्या मतलब है, आपको पता? MBS का मतलब डॉक्टरी है ना? डॉक्टरी है? हाँ, डॉक्टरी है। अच्छा, अदनान को जो मर्ज था इनके, इनको मोशन लगा हुआ था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था इनको? ये तो हमारी टीम मेंबर है, हमने तो आपको चेक करने के लिए भेजा था कि आप डॉक्टर ने भी था ना खराब। PMDC नंबर है डॉक्टर साहब, मैं समझा रहा हूँ जो आप आपके पास ये वो PMDC नंबर है? नहीं, वो तो घर पे भूल गया हूँ, वो अभी नहीं है। PMDC होता क्या है? वो नंबर होता है जैसे लाइसेंस होता है ना डॉक्टरों का, लाइसेंस। हाँ, लाइसेंस वो आप जैसे को किसी को पता लगे। ड्राइविंग लाइसेंस की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं, वो लाइसेंस की बात कर रहा हूँ जो डॉक्टरों का होता है। PMDC नंबर? हाँ, PMC नंबर। जो PMC नंबर? हाँ, PMC नंबर। PMC ये दो चीज़ें मुझे, PMDC की जगह PMC नंबर और MBBS की जगह MBS, ये इन्होंने यूके से किया है डॉक्टर? हाँ, यूके से। मैं भूल ना जाऊँ, मैं याददाश्त कमज़ोर है। और ये PMDC नंबर जो आप कह रहे हैं, PMC नंबर कहाँ से मिलता है? ये मिलता है जहाँ से कोर्स होता है ना पढ़ के बाद में, उधर से मिलता है, वहाँ से मिलता है। कोई फीस होती है इसकी? नहीं नहीं, फीस नहीं होती है। मिलता है ना, डिग्री पास हो जाती है फिर मिल जाता है। डिग्री पास हो जाती है फिर मिल जाता है। जब इस तरह के हमारे काबिल डॉक्टर होंगे तो यकीन जाने, ये मैं बहुत माजरत के साथ कहता हूँ कि हमारी आबादी में जो इजाफा हो रहा है वो इसकी कमी का बायस बन रहे हैं डॉक्टर साहब, और बहुत इनकी तो अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे लगता है, और बड़ी गिरा कदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस चीज़ के लिए? ये जब ऑपरेशन होता है ना उसके बाद पहनने करते हैं हाथों में। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? ये बैक्टर लिखा हुआ। बैक्टर? बैक्टर मॉर्फन।
क्या लिखा? बैक्टर लिखा हुआ है। मुझे नहीं आती इंग्लिश ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। बैक्टर लिखा हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ। बैक्टर? हाँ। बैक्टर लिखा हुआ है। तो सब लिखते कैसे हैं? क्या? अच्छा नहीं, सबसे अहम बात मतलब ये जो आपने दवा लिखी, ये बड़ी यूनिक आपने नुस्खा लिखा था। अच्छा। और ये एक के बाद आपने ये पांच बनाया था, एस बनाया था? ये पांच बनाया ना, पांच। और ये जीरो क्या है? ये जीरो है, ये गोली है, गोली का निशान है। हाँ, गोली तो निशान। आपके कंपाउंडर को पता नहीं चलता? कंपाउंडर का इनका, कंपाउंडर को बुलाइए। सजाद सर, इनको दवाइयाँ समझाओ। डॉक्टर साहब, आपने मुझे दी। इसको जरा देखना शेख साहब जरा। ये अताई इस कदर जाहिल था कि इसने अपने नाम निहाद कंपाउंडर के लिए दवाओं के नाम लिखने के बजाय उनकी शक्लें बनाने का तरीका राइज किया हुआ था। टैबलेट के लिए गोल शक्ल, सिरप के लिए गिलास में पानी और पता नहीं क्या अला बला। ये तमाम तर सूरत हाल खासी मजाक होने के साथ साथ बाइस से शर्मिंदगी भी थी। जी हाँ, बाइस से शर्मिंदगी इस कौम के लिए कि जिसके लोग इस अताई को डॉक्टर समझ के इससे बाकायदा इलाज कराकर इसको माली फायदा पहुंचाते हैं और खुद किसी नई बीमारी में घिर जाते हैं। ये इसका इसका मतलब क्या होता है? एक ये फाइव है, ये एस है। फाइव है सर। फाइव है और जीरो का मतलब होता है जीरो ही गोली का नंबर। जीरो है गोली का नंबर। गोली है, गोल जो बना हुआ गोली है सर। ठीक है, दो और ये तीन, ये क्या? कैप्सूल। कैप्सूल सर। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये क्या? ये सिरप। सिरप है सर। ओ, इतनी देर से मैं बताऊँ मैं क्या समझ रहा हूँ। अच्छा, ये सिरप जो है ना, इन बॉटल का निशान बना है और ये वेव्स जो बनाई है ना, पानी बनाया है। बैठे हो, इनको कुछ भी नहीं आता। ये वाइव वेव्स बनाई है। तो ये डॉक्टर साहब, ये तो आपको भी समझ नहीं आ रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आप सच से बता देंगे कि ये सीखा कहाँ से? ये सीखा है बहुत जगह से, पढ़ाऊँ तो सीखा है ना मैंने। पढ़ा है तो सीखा है ना। तो किस डॉक्टर के पास थे? उस अजीम इंसान का नाम बताएं जिसको, जिसने आपको सिखाया यार। तो अब मसला ये है कि ये इतनी सारी जगहों से पढ़े हुए, दो डिग्रियाँ इन्होंने मुझे बताई, यूके से, यूके यूएस से पढ़े हैं, लेकिन एमबीएस है कि पीएमसी नंबर है, पीएमसी नंबर इनके पास घर में, और एमबीएस जो है इन्होंने यूके से किया हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी से ये एमबीबीएस करके आए हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। हटना भाई, डॉक्टर साहब इनको क्या हुआ है? ज़रा थोड़ा खड़े तो हो ना, बताएं तो ये मशीन क्या है? अच्छा, ये मशीन ही है। शेख साहब बढ़ना, किस चीज़ की मशीन डॉक्टर साहब? ये अल्ट्रासाउंड की मशीन। अल्ट्रासाउंड? जी हाँ। डॉक्टर साहब ये इसकी बीमारी क्या थी? इसको बहुत बड़ा बुखार था भाई। बहुत बड़ा बुखार था? हाँ। किलोमीटर पे था? हाँ, बहुत ज़्यादा था तब तो लगाइए। किलोमीटर पे नहीं थे ना? नहीं नहीं। तो फिर क्या था, कितना बुखार था? इसकी तबीयत ख़राब थी, 102 बुखार था। इसको भी 102 था? अदनान को कुछ भी नहीं था, उसको भी 102 था ना। ये डॉक्टर देख रहे हैं आप, ब्रांडेड इनका 102। आपका मतलब नाम क्या है? मेरा नाम यासिर है। यासिर? हाँ। यासिर तबीयत ठीक है? अभी तो ठीक है। ये ड्रिप बंद क्यों है डॉक्टर साहब? ये अभी मैंने बंद की है, खुद बंद की है। अच्छा, हुआ क्या था इसको? इसके दिल में दर्द था? सीने में दर्द था। सीने में दर्द था? हाँ। कब से लेटे हुए? पहले तो आया था, बीमार था, अभी तो ठीक हूँ। कितनी देर हो गई लेटे हुए? एक घंटा हो गया। एक घंटा हो गया? हाँ। तो एक घंटे में कुछ बेहतर है? अभी बेहतर है। तो ये ड्रिप पे लगाया क्या है भाई? आपका मतलब क्या है यार? आप जाओ अपना काम करो, हमको भी अपना काम करने दो। अच्छा, ये लिखा हो क्या डॉक्टर साहब? अपने ही तो काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? आप नहीं पढ़े हुए इतने? नहीं ना, मुझे नहीं पता ना डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर, आप मैं कोई हूँ? ये तो लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ना, रिंगलोट लिखा हुआ है। रिंगलोट क्या? रिंगलोट लिखा हुआ है। रिंगलोट? डॉक्टर साहब जुल्म कर रहे हैं आप हमारे साथ। पता यार आपको चाहिए क्या? वो तो बता आप कर रहे हैं ना हमारे साथ ये सिस्टम। नहीं, कोई भी इतना कर। हमारे को परेशान कर रहा है। आपका मतलब क्या है भाई? यानी एक्सपायर 16, एक मिनट थोड़ी, नहीं नहीं 2021 मैन्युफैक्चर डेट है 2021 में एक्सपायर है, लेकिन ये है कि पानी है क्या? पानी तो नहीं है? नहीं नहीं, पानी नहीं है। पानी? ये डॉक्टर हैं? हाँ, ये डॉक्टर है। अच्छा भाई, इससे पहले दवा लेके गए? हाँ, पहले हो गए थे, ठीक हो गए थे पहले। मैं आपको याद दिलाऊँ कि मैंने एक प्रोग्राम किया था डॉक्टर मेहताब मंदिर के नाम से, और हमने पूरा एक वो लगाया था, क्लिनिक लगाया था, बाकायदा एक टेंट लगा के हमने प्रमोशन की थी, और हम दो दिन हम लोग वहाँ बैठे थे, और जो भी आया था मैंने उसको दवा दी थी। तो दो मरीज़ तो मैंने भी ठीक कर दिए थे जिनको मैंने नज़ला खांसी की दवा दी थी। तो डॉक्टर साहब बता दें आप कहाँ से सीखा है ये? मैंने आपको किसी का बताया ना, किसी डॉक्टर के पास कंपाउंडर थे? हाँ ना, हैं कंपाउंडर थे ना, जन्ना अस्पताल में डॉक्टर के पास सीखा है ना कहीं से
भाई आपका मतलब क्या है? हमारे को अपना काम करने दो, आपको क्या मतलब है वो बताओ। तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब। तो आपको क्या तकलीफ है वो बताओ। नाम क्या आपको? पूरा वहीद। वहीद नाम है डॉक्टर वहीद। MBS यार आपको चाहिए क्या वो बता दो हमारे को। सीधी चाहिए तो कुछ भी नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं हम तो अपना काम करने दो। इंसानी जिंदगी से तो आप खेल ले। नहीं 102 बुखार कह गए, इतनी मोटी मोटी दवाई दे दी। मरीज तो कोई भी नहीं मरा है ना, क्या हुआ? कोई नहीं मरा तो मरने का क्या? यानी मरने का इंतजार कर रहे हैं? हर कोई ठीक हो रहा है इधर से, मरने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं मरने की बात तो निकालें इसको इधर आओ। आपको तकलीफ क्या ये बताइए। कहाँ सीखा है आपने सर? कहाँ सीखा है? इधर से सीखा सर। हाँ इधर यही से सीखा है। हाँ ठीक है। ये डॉक्टर है? हाँ ये डॉक्टर है। डॉक्टर है? कितने अरसे थे वहाँ पे? इसको साल हो गए। साल भर हो गए? दो साल हो गए। साल भर में डॉक्टर ने कभी किसी को मारा? नहीं मारा अभी तक। नहीं मारा? मरने का इंतजार कर रहे हो? ठीक है। भाई क्यों मरेगा भाई? आप मरेगा पीछे पड़े हो हमारे। हाँ मैं बताता हूँ ना कि आप उसकी सूरत हाल क्या है। नहीं ये असल में अच्छा मुझे अच्छी याद है। सबसे एक बात मुझे बताएं, मुर्गी की दुकान थी आपकी? थी नहीं भाई, वो तो पहले थी ना। पहले थी? किसकी थी? वो तो मेरी थी पहले। पहले थी? मैंने मुर्गी बेचते थे। हाँ पहले मुर्गी देखे, पहले मुर्गी बेचते थे। कितनी देर से ये हमें समझ रहे हैं हम बेवकूफ़ हैं, हम अपना होमवर्क नहीं करके आए हुए। फुटेज मौजूद है मेरे पास कि ये मुर्गी काट रहे हैं वहाँ पर। मोबाइल से बनी हुई फुटेज है जिन्होंने हमें दी थी। और ये मुर्गी फरोश है, मुर्गी मुर्गी बेचते थे और अब जो है ये डॉक्टर बने में। इसको तो रहो, इसको तो खोलो। मरीज तो ठीक होके जा रहे हैं ना? मरीज नहीं ठीक होके जा रहे हैं ना डॉक्टर साहब। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ ना, अभी मैं आपकी तरफ डिग्री वगैरह सब मंगाता हूँ। जिस डॉक्टर साहब ने बैठ कर सीखा है ना उसको भी बुलाते हैं। अब मुझे बताएं कि ये डॉक्टर साहब ने अपनी आसानी के लिए बनाया है ये जो निशान बनाया है कि ये गोली का निशान है, ये कैप्सूल का निशान है और ये सिरप का निशान है, ये अपनी आसानी के लिए बनाया आपकी आसानी के लिए? इंसान के लिए बनाए? नहीं नहीं इंसान के लिए नहीं, आसानी मतलब इसको पैक करने में आपको आसानी होगी या डॉक्टर साहब को लिखने में आसानी होगी? आपको मेरे को आसानी? आपको आसानी होगी। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं? ठीक है सर। कितने पढ़े हुए पता है कुछ? इसको इंटर पास हो गए। इंटर पास होगा? ठीक है। चले चले जी। आपने क्या किया हुआ? जी सर आपने क्या पढ़ा हुआ? आप सर आपने कितना पढ़ा हुआ? 6-7 तक पढ़े। 6-7 तक पढ़े हैं? ये काम सीखा है? जी सर। ये किससे सीखा? इधर सीखा, डॉक्टर के पास। इनके पास सीखा? ठीक है सर। इनके पास सीखा? निशानी लगाई हुई है ऐसे, जैसे निशानी लगाई हुई है जैसे बेवकूफ समझ रहे हैं ये। भाई समझा रहा हूँ ना मैं आपको। इधर एक मिनट, ये तो निकालो बेचारे को। ये समझा रहे हैं गोली है, ये गोली है, ये जो है ना ये कैप्सूल लिखे हुए हैं और ये सिरप लिखे हुए हैं। निशान बनाए ना? हाँ निशान बनाए ना। कोई समझ रहा है कोई नहीं समझ रहा है इसलिए बनाया। मेरे भाई आप सीधा सीधा बताओ ना कि पढ़े लिखे नहीं हो कहीं से? भाई पढ़े लिखा हूँ, ऐसे कैसे खोलूंगा क्लिनिक? भाई आपका पता नहीं क्या है मतलब यार। अगर मरीज कोई मरा है हमारे पास बताओ, कोई मरीज मरने का इंतजार कर रहे हो? टीम में हूँ कौन को अंदाजा हो रहा था कि इस शख्स ने शायद किसी डॉक्टर के पास कुछ अरसे कंपाउंडर का काम किया है और इस थोड़ी सी मेहनत के बाद इसने खुद डॉक्टर बनने का सोचा और यहाँ दुकान खोलकर बैठ गया। हैरतअंगेज तौर पर यह अताई हमारे सवालात और फिर पुलिस मोबाइल में बैठकर भी कोई खास मुजाहमत नहीं कर रहा था, बल्कि इसने हमें दबे अल्फाज में रिश्वत की ऑफर भी की, जो कि इस बात का बयान सबूत था कि ये पक्का जालसाज है और यकीनन माजी में भी मुख्तलिफ लोगों को पैसे देकर अपना कारोबार चलाता रहा है। अब तो बता दो डॉक्टर हो? नहीं डॉक्टर तो हूँ लेकिन डॉक्टर अभी भी हो? इतना बड़ा नहीं हूँ जो सीखा है मैंने। डॉक्टर अभी भी हो? डॉक्टर तो हूँ ना। डॉक्टर कैसे हो? मैंने सीखा हुआ है, अभी कोई किसी को कोई मरा तो नहीं है। सीखना और पढ़ने में फर्क होता है, इतना नहीं पता आपको? नहीं कोई मरा तो नहीं है ना। जिस डॉक्टर के पास आप काम करते थे? अच्छा कंपाउंडर के काम करते थे ना, जो भी आपके पास यासिर कर रहा था, वो दूसरा लड़का जो था ना, वो कर रहा था ना, क्या नाम था? सज्जाद। सज्जाद सज्जाद कर रहा था ना आपके पास? तो सज्जाद जो काम करता था वो आप डॉक्टर के पास करते थे? वो डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर नाम मेहताब था। मेहताब? मेहताब तो मेरा नाम है। उसका भी यही नाम था ना? उसका नाम भी मेहताब था। हाँ ना भाई, आप जो भी आपको बात करनी है आप बात को छोड़ दो, जो भी करनी है इधर ही कर लो बस। आप एक चीज देखें, ये मुस्कुरा रहे इतनी देर से, क्या बात करोगे मुझे? आप मुस्कुरा रहे हो या मुझे लग रहा है कि आप हंस रहे हो? नहीं मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ भाई? नहीं मुस्कुरा नहीं रहे? नहीं मुझे लग रहा है कि कोई शर्मिंदगी नहीं है डॉक्टर बनने बैठे। शर्मिंदगी की बात नहीं है, डॉक्टर था अभी दवाएं दे रहा था, बंदे ठीक हो रहे थे। बंदे ठीक हो रहे थे? हाँ। तो कभी कोई ऑपरेशन किया है? ऑपरेशन बड़े डॉक्टर इतने नहीं हूँ, कोई आपसे झूठ बोलूँ इतने बड़े डॉक्टर हूँ। नजला खांसी की दवा दे? हाँ नजला खांसी बुखार की दवा दे। तो अभी जो ड्रिप लगाई हुई थी उस चक्कर में लगाई हुई थी वो बुखार था, पैसे कमाने के लिए लगाई थी। पैसे इतने तो पैसे नहीं लेते इतने बड़े। रुपए तो बन जाते नहीं भाई, 100-200 इंजेक्शन। आपको मुझे बताओ कि वो कहाँ है दवा, कहाँ है शेख साहब? दवा लेकर आइए, मुझे 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 वो चीज़ समझाएं आप अपना डॉक्टर साहब।
कि वो इंजेक्शन जो आप लगा रहे थे उस ड्रिप के अंदर या ड्रिप के अंदर जो लगा हुआ होगा इंजेक्शन, अच्छा, वो इंजेक्शन किस तरह आप वो करते हो कि इस शख्स को इस इंजेक्शन की ज़रूरत है? वो पता चलता है ना, हमें उसको देखते हैं फिर पता चल जाता है ये इसमें ठीक हो जाएगा। अच्छा, टेटनिक एक इंजेक्शन होता है, हाँ। वो किस चीज़ के लिए लगाया जाता है? वो जो उसकी जिसकी तबीयत खराब होती है उसको लगाया जाता है। टेटनिक उसके लिए लगाया जाता है? हाँ। हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन जो होती है वो अलग होती है, वो अलग होती है, हाँ, वो किस लिए लगाई जाती है? वो जो हेपेटाइटिस बी और सी होती है ना उसके लिए लगाई जाती है, उसके लिए लगा जाती है। तो क्या इसको इसको लगा सकते हैं? नहीं, इसको तो है ही नहीं, इसकी टेस्ट होगी बाद में पता चलेगा। अच्छा चले, इतना तो पता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है तो इसलिए शायद इनको पता है। और ये टेटनिक्स के इंजेक्शन जो है ये तशखीस करके, हालांकि वो रोड एक्सीडेंट और इस तरह की जो नॉर्मली लगती है, ये 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 दवा कहाँ से लेके आए? ये दवा पर मेडिकल स्टोर है वहाँ से, मेडिकल जी, ये भूतल गली कच्ची गली में जो मिलती है। तो ये किस क्या बोल के लेके आते हैं वहाँ से? इसको दवाई मैंने तो सीखा हुआ है, इन्होंने शॉप में मात्रा चाहता हूँ, इतना तो सीखा हुआ है इनको, पता है कि नज़ला खांसी बुखार, क्योंकि हमें जब मिल गई थी दवा तो ये तो सीखे हुए थोड़े से, डॉक्टर के पास इन्होंने काम किया है। बकौल इनके पढ़ा नहीं है ना? पढ़ा हुआ। पढ़ा कितना पढ़ा हुआ है? बहुत पढ़ा हुआ। कितना? मैट्रिक पढ़ा हुआ। मैट्रिक पढ़ा हुआ? ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए तो हाँ इतना ही पढ़ा। मैट्रिक के बाद MBBS? MBBS। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझाने के लिए कि कराची यूनिवर्सिटी से MBBS हो रहा है, ये कहाँ से सीखा, ये कहाँ से आया दिमाग में? ये मैंने सीखा है तभी तो बोल रहा हूँ। जेल में इलाज करेगा आप जाके? ये मुझे लगता है कि ये जो है वो मेरी बात समझ नहीं रहे और मैं इनको समझा नहीं पा रहा, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, भाई अभी जो आपको बात करनी है वो कर दो, वो तो मैंने कर ली, वो मैंने बता भी दिया। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं और ये समझाना चाह रहे हैं आपको, इस डॉक्टर को दिखाने का मतलब और मकसद सिर्फ ये है कि बराए मेहरबानी ऐसे डॉक्टर्स के पास ना जाएं जो आपकी जान से और आपकी माल से खेलें। ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि आप ना जाएं, और जब भी जाएं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और जब तक तस्दीक ना कर लें उस डॉक्टर से कि जी वो डॉक्टर है या नहीं है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जगहों पर ऐसे बेतहाशा डॉक्टर्स हैं, कानून की कमी है, लागू नहीं होता और कोई पूछने वाला नहीं है, इस तरह के क्वार्क्स बेतहाशा है कराची, पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो इंसानों की जानों से और मालों से खेल रहे हैं। तो बराए मेहरबानी कोशिश यही करनी चाहिए कि जब किसी डॉक्टर के पास जाएं तो तस्दीक ज़रूर कर लें कि आया वो डॉक्टर है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन कोई आरा सा करना चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह की नेकी।